अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शाही सीख बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी मैंने प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही फटाफट से प्रिपेयर होने वाला स्नैक्स है ये, आप इसे पार्टीज़ में भी बना सकते हो। इस तरीके की बहुत सी इनोवेटिव रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हो जो मैंने पहले भी प्रिपेयर की है। चलिए इसे बनाते हैं। देखिए 250 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसे अच्छी तरीके से मैंने मिंस कर लिया है। उसमें हाफ ऑनियन डाल के मैंने मिंस किया है। 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। मैंने 5 to 6 आलमंड्स और 5 to 6 कैश्यूज़ को अच्छी तरीके से कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। हमें इसका पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसे कोर्सली ग्राइंड करना है। 2 टेबलस्पून मैंने होममेड मावा लिया है। मैंने चॉप की हुई कोरिएंडर लीव्स ली है। ग्रेटेड चीज़ लिया है मैंने। 1/4 कप मैंने क्रीम लिया है, फ्रेश क्रीम है ये। 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। 1/2 लेमन का जूस ले ले। 2 ग्रीन चिलीज मैंने चॉप करके ली है। 1 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने कबाब मसाला लिया है, ये शान का सीख कबाब मसाला है, ये इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ली है। थोड़े से सैफ्रन के स्ट्रैंड्स लिए हैं मैंने। 1 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, ग्रीन कार्डमम का पाउडर। हमारे मसाले इसमें ऐड कर लेंगे हम। मावा ऐड कर लूँगी मैं इसमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर ले। आलमंड्स और कैश्यूज को हमने कोर्सली ग्राइंड किया था, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे ड्राई मसाले मैं इसमें ऐड कर लूँगी। इलायची पाउडर ऐड कर ले। सैफ्रन स्ट्रैंड्स ऐड कर लूँगी मैं। ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर ले। शान का कबाब मसाला ऐड करेंगे हम। सॉल्ट भी ऐड कर ले। ग्रेटेड चीज़ भी ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। कॉर्नफ्लावर मैंने बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है। लेमन जूस ऐड कर लेंगे। चॉप की हुई ग्रीन चिलीज ऐड कर ले। कोरिएंडर ऐड कर लूँगी मैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें। क्रीम हम लास्ट में ऐड करेंगे। एक बार हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने अच्छी तरीके से सबको मिक्स कर लिया है। लास्टली हम इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे हमारा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। देखिए क्रीम भी हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे हम कवर करके रेफ्रिजरेट करेंगे अराउंड 4 to 5 आवर्स के लिए। देखिए अराउंड 4 to 5 आवर्स मैंने इसे फ्रिज में रखा था, इसे मैंने बाहर निकाल लिया है। देखिए इस तरीके के स्कीवर्स लेने हैं हमें। अगर आपके पास इस तरीके के स्कीवर्स नहीं है तो आप वुडन स्कीवर्स ले लें। एक प्लेट ली है मैंने। हम हमारे हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मिंस हम लेंगे हमारा। देखिए इस तरीके से इवेनली सीख प्रिपेयर कर ले। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे।
देखिए हमने एक सिक निकाल ली है, इसी तरीके से हम दूसरी भी प्रिपेयर करेंगे। मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है मेरे हाथों को। देखिए दूसरी भी मैंने रेडी कर ली है, इसे भी मैं निकाल लूंगी। बताइए, हाँ बताइए, ये देखिए दूसरी भी हमने प्रिपेयर कर ली है। एक और मैं आपको बताती हूँ, देखो एक और मैंने रेडी की है, इसे भी मैं निकाल लूंगी। देखिए हमने सारी सीख प्रिपेयर कर ली है, इसे हमें फ्रीज करना है अराउंड 2 आवर्स के लिए। देखिए अच्छी तरीके से फ्रीज हो गए हैं ये। इसे हमें छोटी छोटी साइज में कट करना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिकॉज हम ये बाइट साइज में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से इसे कट कर लें। देखिए सारे हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। देखिए सारे मैंने कट कर लिए, इसे हम फ्राई करेंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर एक फ्राइंग पैन हीट करने रखा है, इसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। हमें इसे शैलो फ्राई करना है। हम हमारे सीख के पीसेस को इसमें ऐड कर लेंगे, बहुत ही फटाफट से फ्राई हो जाते हैं ये। इसे आप अराउंड 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं फ्रीज़र में, एक जिप लॉक में डालकर। इसे केयरफुली सब साइड से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। ये 5 मिनट्स में ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। एक एक करके ऑयल में ऐड कर लेंगे हम इसे। इसे भी हमें सारी साइडों से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। देखिए ये भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इसे भी हम निकाल लेंगे। सबको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें मैं 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने ये कबाब मसाला लिया है शान का। 1/2 लेमन का जूस ऐड कर लेंगे इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें हम क्रीम ऐड कर लेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा स्नैक्स प्रिपेयर हुआ है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए। आप इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे मेयो के साथ सर्व किया है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय।